हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2022 के इस गणित से घातांक और कर्णिका टाइप चार इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। टाइप चार का नाम क्या है? भिन्नात्मक संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो टाइप चार को बताने से पहले आपको कंसेप्ट हम बता देना चाहते हैं कि अंश में डेसिमल के बाद जितना अंक हो उतना ही अंक डेसिमल के बाद अगर जो हर में भी हो तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं। और इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस नंबर देखिए 78 यानी कि टाइप 4 का क्वेश्चंस नंबर पहला, यहां पर लिखा है 36.1/102.4 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहां पर देखिए अंश में डेसिमल के बाद एक अंक है और हर में भी डेसिमल के बाद एक अंक है, मतलब अंश और हर में डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान है तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम डेसिमल को हटा दिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 361/1024 का वर्गमूल हमें निकालना है। यानी कि 361 का वर्गमूल 19 होता है, या आप लिख भी सकते हैं 19 × 19 361 के जगह पर और 1024 को 32 × 32। यानी कि 19 × 19 मतलब इसका वर्गमूल 19 हो जाएगा, 32 × 32 तो इसका वर्गमूल 32 हो जाएगा। यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 भी इसी प्रकार का है। यहां पर देखिए 0.091 × 0.01 तो डेसिमल के बाद पूरा कितना अंक है अंश में, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि अंश में डेसिमल के बाद 5 अंक है, हर में देखिए 1, 2, फिर 3, 4, 5 यानी कि हर में भी डेसिमल के बाद 5 अंक है तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं। डेट मीन्स कहने का मतलब 091 यानी कि 91 × 11/91 × 1331 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, 11 × 11 और 11 × 121 करने पर 1331 होता है। यानी कि 1/121 1/121 का वर्गमूल करना है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 121 का वर्गमूल 11। 1/11 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 भी इसी प्रकार से है। अंश में देखिए डेसिमल के बाद 2 और 1 3 अंक है और हर में भी देख सकते हैं 1 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, मतलब हर में भी डेसिमल के बाद 3 अंक है यानी कि अंश और हर में डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान है तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं इजिली। अब देखिए इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 121 × 9/11 × 11। अब देखिए आप जानते हैं 11 × 11 121 होता है तो 121 से 121 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर देखिए 81 a/√512 √162 है तो a स्क्वायर का मान बताना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछे तिरछे गुना a गुना a इस तरह से और ये आपका क्या हो जाएगा √512 × √162। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a गुना a a स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके बाद √512 को आप क्या लिख सकते हैं 256 × 2 और यहाँ पर √162 को लिख सकते हैं √81 × 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए a स्क्वायर बराबर 256 को आप लिख सकते हैं 16 × 16 भी और 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, उसी प्रकार से 81 को हम लिख देते हैं 9 × 9 और 2 को ऐसे ही रहने दिया। डेट मीन्स कहने का मतलब 16 × 16 मतलब 256 का वर्गमूल 16 हो गया, 2 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं होगा तो ये आपका रूट में ही रह जाएगा, गुना 9 × 9 यानी कि 81 का वर्गमूल 9 हो गया और 2 का जोड़ा नहीं है मतलब 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होगा तो रूट में ही रहेगा। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 × 9 = 144 और उसके बाद √2 × √2 तो ये आपका 2 हो जाएगा, 144 × 2 = 288 सी नंबर ऑप्शन दिया है 288 यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 यदि √3 का मान 1.732 हो तो 1/√3 का मान क्या होगा, 1/√3 का मान आपसे पूछ रहा है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका 1 × √3 तो √3 हो गया बटा √3 × √3 तो 3 हो जाएगा। √3 का मान कितना होता है 1.732, 3 से इसमें भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले पॉइंट देना होगा यानी 0 पॉइंट। अब देखिए 3 × 5 = 15 फिर 2 और 3 यानी कि कितना 3 × 7 = 21 फिर 2 और 2 यानी कि फिर 3 × 7 = 21 यानी कि 0.577 ये ए नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर देखिए 83 x/√243 √2187 x है तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछे तिरछे गुना x गुना x इस तरह से और बराबर
रूट अंडर 243 गुना रूट अंडर 2187, इस तरह से गुना पहले यहां पर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर x गुना x को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसको हम पूरा रूट के अंदर में लिख सकते हैं 243 गुना कितना 2187, क्योंकि फॉर्मूला होता है रूट ए गुना रूट बी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए गुना बी, इसका यूज करके हमने ये वाला लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर आपका ये 243 है और गुना 2187 को हम लिख सकते हैं, इसका 9 गुना होता है ये, मतलब 243 गुना 9 हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करके देख सकते हैं 9 × 27 के साथ बाकी 2, 9 × 4 = 36, 2 × 38 = 8 बाकी 3, 9 × 2 = 18, 3 = 21, सही है। अब इसके बाद देखिए यहां पर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ये आपका जोड़ा में है, यानी 243 गुना 243 का वर्गमूल 243 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, डेट मीन्स कहने का मतलब अब एक्स स्क्वायर बराबर इतना है तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 243 गुना 3। अब इसके बाद देखिए एक स्टेप और हम बढ़ते हैं, तो 243 को लिख सकते हैं 81 गुना 3 और ये आपका गुना 3 है, यानी कि आप देखिए 81 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं कि 9 होता है और ये 3 गुना 3 का वर्गमूल 3 होगा, यानी कि x का मान कितना हो गया 27। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 83 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 27। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, ये है रूट अंडर 4375 बटा रूट अंडर 7 का मान क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रूट ए बटा रूट बी रहे, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए बटा बी, इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले सजा करके लिख देते हैं, रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 4375 बटा 7, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाता है, जो देखिए 7 × 6 = 42, फिर 1 और 7 7 × 2 = 14, फिर 3 और 5 7 × 5 = 35 और 625 को आप लिख सकते हैं इस तरह से 25 × 25, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर 25 आ जाता है। 84 का ऑप्शन नंबर कितना बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर देखिए 85, 576 बटा 625 का वर्गमूल निकालना है, तो 576 को आप लिख सकते हैं 24 × 24 और 625 को लिख सकते हैं 25 × 25, यानी कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो 24 × 24 का वर्गमूल 24 हो जाएगा, यानी कि 576 का वर्गमूल 24 हो गया, फिर 625 को हमने लिखा 25 × 25, यानी कि 25 × 25 का वर्गमूल 25 हो गया। अब 24/25 को आपको डेसिमल में कर लेना है, तो 25 को हम 100 बना सकते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब 24/25 है तो 25 में हम 4 से गुना करते हैं तो 100 हो जाता है, तो 24 में भी 4 से गुना कर देते हैं, यानी कि 96/100, इसे हम लिख सकते हैं 0.96। कौन सा ऑप्शन है, तो 85 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0.96। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, 58 × 7/9 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए, 58 × 9 + 7 करेंगे बटा 9 करेंगे, तो हम लिख देते हैं यहां पर एक स्टेप देखिए 58 × 9 + 7/9। अब एक स्टेप और करते हैं, तो सबसे पहले 58 × 9 कीजिए कितना होगा, तो 8 × 9 = 72 बाकी 7, फिर 9 × 5 = 45 और 7 कितना होगा 52, यानी कि 522 + 7/9, 522 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 529 बटा कितना 9, 529 को आप लिख सकते हैं 23 × 23, यानी कि इस तरह से 23 × 23 बटा और 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3, यानी कि 23 × 23 का वर्गमूल 23 हो जाएगा, 3 × 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 23/3 कौन सा ऑप्शन है, तो 23/3 देखिए 23/3 आपका नहीं दिया है पूर्णांक में दिया है, मतलब पूर्णांक में करेंगे तो 3 × 7 = 21, 2 शेष बचेगा 2/3, 7 × 2/3, ये ए नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, 5 × 44/49 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पहले पूर्णांक को तोड़िए, तो 5 × 49 + 44 हम लिखेंगे 5 × 49 + 44 = 49, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, 49 + 5 करना है तो 9 × 5 = 45 + 5 बाकी 4, 4 × 5 = 20, 4 = 24, यानी कि 245 में आपको 44 जोड़ना है और बटा 49। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 44 × 88 = 189, 289/49। अब देखिए 289 को आप लिख सकते हैं 17 × 17 और 49 को 7 × 7, यानी कि
289 का वर्गमूल 17 हो गया और 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 17/7। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां पर ए बटा बी का इसे हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस ये आपका बी बटा ए का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बटा बी इंटू बी बटा ए। अपने मन से ये हमने लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ए से ए कट जाएगा बी से बी कट जाएगा तो आपका सिर्फ 2 ही बचेगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया, तो ए बटा बी प्लस बी बटा ए का होल स्क्वायर हो गया ये। डेट मीन्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आपका आंसर क्या हो गया, ए बटा बी प्लस बी बटा ए, ये आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर देखिए 89, 169 का वर्गमूल 13 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहां पर देखिए पहले डेसिमल हटा लेते हैं, तो डेसिमल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक है। डेट मीन्स कहने का मतलब 169 बटा हम लिख सकते हैं 10^8, इस तरह से ध्यान से देखिएगा 169/10^8 और नीचे में आपका कितना है, बटा में आपका कितना है 13 है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, 10^8 को हम लिख सकते हैं 10^4 गुना 10^4, यानी कि 10^8 का वर्गमूल कितना हो गया 10^4 बटा ये आपका 13 है तो 13 को 13/1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए 13/10^4 को हम लिख सकते हैं 10,000 और गुना 13/1 है ये भागा में तो गुना में 1/13 हो गया, ये 13 से 13 एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो 1/10,000 कहने का मतलब 0.0001, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर देखिए 90, ये जो दिया गया है इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये जो लिखा गया है इधर हम रफ करते हैं 0.14/1.4 है, डेसिमल हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 14/ सबसे पहले 14 लिखेंगे, अब डेसिमल के बाद ऊपर में 2 अंक है तो नीचे में 100 से गुना हो जाएगा, नीचे में डेसिमल के बाद 1 अंक है तो ऊपर में 10 से गुना होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब हम इसे डायरेक्ट लिखना चाहें तो 14/14 × 10 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि और भी सजा कर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.1 इसका स्क्वायर माइनस ये भी आपका उसी तरह से है, यानी कि 0.11/1.1 है मतलब ये भी आपका 0.1 का स्क्वायर है, प्लस ये भी उसी तरह से है 0.13/1.3 मतलब 0.1 का स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान से देखिए ये आपका प्लस में और ये आपका माइनस में, ये वाला टर्म तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, अब बचा सिर्फ ये यानी कि 0.1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 0.01। कौन सा ऑप्शन है, तो 90 का देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर देखिए 91, वाट बटा 3136 का वर्गमूल बराबर 1/2 है तो वाट का मान क्या होगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर देखिए क्या हो जाता है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाट बटा 3136 बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 × 4 और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 × 7 = 28, 3 × 3 = 32, 1 × 6 = 4 × 16 वाट गुना 1 तो वाट बराबर 784 गुना 1 यानी कि 784। कौन सा ऑप्शन है, तो 91 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 784। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, 882/1922 का वर्गमूल क्या होगा। तो 882 को लिख सकते हैं 441 × 2 और 1922 को लिख सकते हैं 961 × 2, यहां पर देख सकते हैं आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए 441/ कितना हो गया 961, 441 को लिख सकते हैं 21 × 21, डेट मीन्स नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहें तो इस तरह से, और 961 को 31 × 31 हम लिख सकते हैं, यानी कि 441 का वर्गमूल 21 और 961 का वर्गमूल 31, 21/31 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर देखिए 93, एक पूर्णांक 3/11 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहां पर देखिए 11 × 11 = 3 कितना हो गया 14/11 का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि 14 × 14/11 × 11
तो 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए माइनस है और 144 का वर्गमूल 12 हो जाता है बटा 576 का वर्गमूल 24 होता है, फिर गुना, ये आपका माइनस 16 है बटा 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये 1 दूनी 2 और 12 दूनी 24, 12 से 12 कैंसिल हो गया मतलब 1। तो ये मतलब कौन सा ऑप्शन दिया है, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 95, क्वेश्चन नंबर देखिए 95, 256 गुना 289 बटा 4 का घात 3 का वर्गमूल क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर 256 गुना 289 और बटा 4 का घात 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो ध्यान से देखिए 256 का वर्गमूल 16 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी कि 8 दूनी 16 तो 17 दूनी 34, ये कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सबसे पहले 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 बटा 4.375 गुना 900 का वर्गमूल 30 होगा बटा 9.375। अब डेसिमल हटाते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 14 गुना 1000 बटा 4375, यहां भी डेसिमल हटाएंगे तो 30 गुना 1000 बटा 9375। अब कैंसिल करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए ये 7 से कैंसिल होता है और ये भी 7 से कैंसिल होता है, 7 दूनी 14 और 625 सत्य कितना हो जाता है 4375। अब देखिए 25 गुना 25 625 और 25 गुना 40 कितना होता है 1000। अब इसके बाद 5 से 5 पचे 25 और 5 से 5 8 40। अब देखिए ये कैंसिल करते हैं तो 25 से कैंसिल करते हैं, 25 तिया 75, फिर 75 और 15 90, 15 3 18, यानी कि 90 3 93 तो 18 शेष बचा, 18 पर 7 187, 25 सत्य 75 से, फिर 12 और 5 यानी कि 25 25 25 से, फिर 25 चौके 100 इस तरह से। अब इसके बाद देखिए अब 5 से कैंसिल करते हैं इसको तो कितना होगा, 5 सत्य 35, फिर 2 और 5 25 25, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 58 40। अब इसके बाद देखिए ये 75 है जो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 25 दिया 75 और ये 10 दिया 30। अब देखिए यहाँ पर ये 10 है जो 5 से कैंसिल होगा, 25 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 अब नहीं कैंसिल होगा, तो क्या करते हैं ऊपर में कितना बचा, 2 गुना 8, यहाँ भी 2 गुना 8 यानी कि 8 दूनी 16, 16 गुना 16 तो 256, ऊपर में 256 और नीचे में 5 गुना 5 यानी कि 25। तो क्या करते हैं ऊपर नीचे अपने मन से 4 से गुना कर देते हैं क्योंकि नीचे हम 100 कर सकते हैं, तो इस तरह से 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 25 चौके 100 और 2 102 यानी कि 10.24 कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर है 96 का 10.24 कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर देखिए 97, 0.64 का स्क्वायर रूट बटे 0.16 का स्क्वायर रूट का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सजा करके इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर 0.64 बटे 0.16, क्योंकि फॉर्मूला होता है रूट ए बटा रूट बी, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए बटा बी, इसका हमने यूज करके ये वाला लिखा है। अब देखिए ऊपर में भी डेसिमल के बाद 2 अंक, नीचे में भी डेसिमल के बाद 2 अंक, तो डेसिमल हम हटा सकते हैं यानी कि ये हो गया आपका 64/16। अब 16 चौके 64 यानी कि ये आपका हो गया रूट अंडर 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर रूट अंडर 45 गुना रूट अंडर 20, तो आप जानते हैं इस तरह से रूट ए गुना रूट बी को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए गुना बी, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में हम लिख सकते हैं 45 गुना 20 इस तरह से, और ये देखिए रूट के अंदर में हम लिख सकते हैं 12 गुना 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ये 45 दूनी 90 यानी कि 900 आपका हो गया रूट के अंदर में, और ये आपका रूट के अंदर में 36 हो गया, 900 का वर्गमूल 30 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 पचे 30, तो 5 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99,
क्वेश्चंस नंबर देखिए 99 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए 3 गुना रूट अंडर 121, तो 3 गुना ये 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, माइनस 361 का वर्गमूल 19 होता है, 529 का वर्गमूल 23 होता है, और 2 गुना 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो 11 तिया 33 माइनस 19 बटा 23 प्लस 12, तो यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 14 बटा ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 2 1 3, ये 7 दूनी 14, 7 5 35 यानी कि 2 बटे 5 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 बटा 5, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 100 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर हम ऑलरेडी बता चुके हैं 89 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद आपका 101 नंबर के क्वेश्चन इसी के जैसा है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर 225 का वर्गमूल 15 दिया है, तो डेसिमल हम हटावेंगे तो कितना होगा 225 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 5 3 8 यानी कि डेसिमल के बाद 8 अंक है, मतलब 10 पे पावर 8, तो देखिए 225 का वर्गमूल तो 15 हो जाएगा, और 10 पे पावर 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका बटा कितना है 15, मतलब 1 बटा 15 इस तरह से लिख सकते हैं, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 10 पे पावर 4 मतलब 1 बटा 10,000, तो इसे लिख सकते हैं 0.0001, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 101, 256 का वर्गमूल 16 है, तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 8 अंक है, डेट मीन 256 बटा 10 पे पावर 8 हो जाएगा, तो 256 का वर्गमूल 16 होता है, 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4 होगा, और ये बटा 16 है, मतलब गुना 1 बटा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा 10 पे पावर 4 मतलब 1 बटा 10,000, तो इसे लिख सकते हैं 0.0001, ये आपका सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, 9 का वर्गमूल 3 है, तो रूट 81 बटा रूट 3 का मान कितना होगा, तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 बटा रूट 3, अब क्या करते हैं ऊपर नीचे हम रूट 3 से गुना कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 रूट 3 बटा रूट 3 गुना रूट 3, तो 3 3 3 9 यानी कि आपका आंसर हो गया 3√3, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 102 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3√3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर देखिए 103, 144 का वर्गमूल 12 है, तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 8 अंक है, तो 144 बटा 10 पे पावर 8 हो जाएगा, यानी कि 144 का वर्गमूल 12, 10 पे पावर 8 का वर्गमूल 10 पे पावर 4, और बटा 12 है, मतलब गुना 1 बटा 12, दैट मीन्स ये 12 से 12 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा 10 पे पावर 4 मतलब 1 बटा 10,000 यानी कि 0.0001, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 103 तक ही दिया गया था आपका टाइप 4, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, देखिए 103 आपका है, उसके बाद ये आपका टाइप 5 स्टार्ट है 104 नंबर से, और टाइप 5 आपका है जो लास्ट टाइप है, तो यहाँ पर टाइप 5 के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, तो टाइप 5 का वीडियो भी हम आज ही देंगे, टाइप 4 का वीडियो आज तो दे ही रहे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और इस बुक यानी कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स RRB 2022-23 गणित का सबसे अच्छा सॉल्यूशन के लिए, बेस्ट सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके मोबाइल या लैपटॉप पर नोटिफिकेशंस आए और आप उस पर क्लिक करके देख सके। आप अपने एग्जाम के आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपकी जरूरत हो वो वीडियो जरूर देखें, और अगर जो आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को अगर जो आप पसंद करते हो तो उसे शेयर भी करें और लाइक भी करें।